कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। जब कांग्रेस के कर्णधारी गुंडागर्दी करेंगे तो कार्यकर्ता क्यों ना करेंगे। साथ साथ फिल्म और सियासत करने का ही असर है कि राज बब्बर फिल्मी किरदार से निकल नहीं पाते। सहारनपुर में धक्का क्या लगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धकियाने वाले के बाल नोचने लगे और कांग्रेसी तो पहले ही रैली में कट्टा चलाकर जौहर दिखा चुके हैं। क्या अब हथियार और हाथापाई के दम पर कुर्सी हासिल करेगी कांग्रेस। फिल्मी विलेन की सियासी गुंडई, रील के बाद रियल लाइफ में भी विलेन बने बब्बर। गुस्से में समर्थक के बाल नोच डाले, नेता बेलगाम, समर्थकों पर भी नहीं है लगा। राज बब्बर की रैली में कार्यकर्ताओं ने की फायरिंग। शायद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी राज बब्बर का फिल्मी भूत नहीं उतरा है, तभी तो रील के बाद रियल लाइफ में भी हाथापाई करने लगे। बात बस इतनी थी कि एक समर्थक से राज बब्बर को धक्का लग गया। फिर क्या, बब्बर के अंदर का विलेन जाग गया और पलट कर राज बब्बर समर्थक के बाल नोचने लगे और कार्यकर्ता बचने की कोशिश करता रहा। चक्रोता रोड पर विजय सिनेमा के पास राज बब्बर का कार्यक्रम था। गाड़ी से उतरकर जैसे ही राज बब्बर कार्यक्रम में जाने को हुए तो प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार भीड़ में शामिल एक कार्यकर्ता से उन्हें धक्का लग गया। राज बब्बर संभले और उन्होंने कार्यकर्ता के बाल पकड़कर नोच डाले। यही नहीं, उन्होंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे भीड़ से भी निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता ही बेलगाम है, समर्थक तो पहले ही लगाम ना होने की नजीर पेश कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के सामने जमकर फायरिंग की। फायरिंग से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बजाय अपना पल्ला झाड़ रही है। गंगोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की रैली, उनकी रैली में जुलूस के रूप में भाग लेने जा रहे कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के सामने ही कई बार फायरिंग की। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बेलगाम हो रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष ही बेलगाम होगा तो कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद की जाएगी। सहारनपुर से समाचार प्लस के लिए धर्मेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।